ऐसी भी क्या बेवफाई के तुमने ही छोड़ दी। जग्गू दादा की तलाश को क्यों खत्म कर दिया? जग्गू दादा के जीने का मकसद भी साथ ही लेकर। सुना है बड़े दौलतमंद घराने में शादी हुई थी, बेचारी अपने दौलत के मजे भी नहीं लूट सकी। हाँ, अचानक मौत के पीछे भी कोई राज होता है। राहिला, क्या कर रही है तुम? क्या करूं मैं? क्या फायदा ये हाथ? बदनुमा हो गया बिल्कुल, इसकी पांच उंगलियों में से एक उंगली कट, हम पांचों बहनों की तरह में पागल हो गई हो? क्यों क्यों ऐसा किया शेखी? अरे हम दोनों तो दुख सुख के साथी थे, एक दूसरे का सहारा। ऐसे मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? कैसे तो एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया क्या? मुझे अकेला छोड़ के, मुझे अधूरा छोड़ के, मुझे अधूरा छोड़ के। बस करो बेटा, मुझे और परेशान मत करो। हलाक बुरी सही, लेकिन शकीला की मौत मैं भी नहीं भूल सकती। और प्रीतम, तुम जब रोती हो ना तो मेरा दिल फटता है बेटा, मेरा दिल फटता है। बस अम्मी, अम्मी। बस बस सबर करो। मुझे तो जासिब के बच्चे की किलकारियां भी कानों में गूंजने लगी थी, उसके कदमों की आड़ में अपने दिल में महसूस करने लगी। बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया है। भाई की लगाई हुई तोहमत ने भाभी की जान तो ले ली, लेकिन भाभी अपने बच्चे का खून क्यों करेंगी? शकीला तो बहुत खुश थी, मेरे पास बैठती तो बच्चों के नाम पूछती मुझसे। अगर मैं उल्टा सीधा बता देती तो नाराज होने लगती। सपोर्ट कर कहती थी कि आज मैंने ख्वाब में अपना बेटा देखा। कभी कहती थी मैं बेटी देखी। अम्मी फिर आप ही बताएं, ऐसी मां अपने बच्चे का खून क्यों करेगी? राहिला कितनी तनहा रह गई, दोनों को एक दूसरे का सहारा था। सही कह रही है, भाई की तरह राहिला भी बहुत अकेली रह गई। राहिला की मोहब्बत कभी दिल से नहीं जाएगी अदनान के। ऐसा ना हो शकीला के बाद राहिला आ जाए। अब अम्मी जूस मैंने नहीं पीना बेटा। अम्मी खुदा के लिए अपने दिल से मत लगाएं इस बात को, हराम मौत मरने वाले वैसे भी काबिले रहम नहीं होते। अगर जिंदगी हराम कर दी जाए ना तो निजात भी हराम मौत में नजर आती है। तो किसने की थी शकीला की जिंदगी हराम? उसके अपने आशिकों ने, जो उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए थे। तभी तो जहाज़े भाई उसे बाजार में छोड़ा है। बेटा, वो तुम्हारी बहन थी। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जाओ यहां से। Thank you.
आप कौन हैं? और इस घर में इस तरह दंदनाते क्यों फिर रहे हैं? ये घर मेरे लिए अजनबी तो नहीं है, मगर आप मेरे लिए अजनबी जरूर हैं। जी। वैसे आपका एतमाद और इस तरह आजादा ना इस घर में घूमना मुझे बता रहा है कि आप ही मिसेज रियासत हैं। जी, मैं भी मिसेज रियासत हूँ। मुझे फौजिया बेगम से मिलना और उनका फर्स्ट कजन मैनेजर भी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फौजिया बेगम से मिल सकता हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें इतला करके आती हूँ। चले गए थे आप? अम्मी मैं सब इतना परेशान हो रहे थे, मुझे नहीं पता कि मैं कहां गया था। सिर्फ इतना जानता हूं कि रास्ते खुद ब खुद मुझे उस जगह ले गए थे जहां शक ने खुद शकीला की पाक दामनी का सबूत दे दिया था। भाई काश के आप सबूत ढूंढने की बजाय बस अद्दान आप पछतावों को मजीद जबान पर मत लाओ, ये मेरी रग रग को छन्नी कर चुके हैं। मेरा एक काम करोगे? जी। मेरी वापसी की सीट तो कंफर्म करवा दो, मैं अब यहां नहीं रह सकता। भाई ये क्या कह रहे हैं? अगर आप चले जाएंगे बाहर तो अम्मी का क्या होगा? उन्हें तो गमों ने पहले ही निडाल कर दिया है। मैं अगर यहां रहा ना तो खत्म हो जाऊंगा। ये सजा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, वापस जाना होगा, वापस जाना होगा। हैरत हो रही है मुझे, जिस औरत से तुम सारी जिंदगी डरती रही, नफरत करती रही, आज वही तुम्हारी सल्तनत पे राज कर रही है। भको मत, मेरा राज कभी जवाल पजीर नहीं हो सकता, वो अब भी मेरी खिदमत मेरी मुलाजमा बनकर ही कर रही है। ऐसी एक बात है, जालिम है बहुत खूबसूरत, इसलिए रियासत दिलहरा होगा। तुम यहां हया की तारीफ करने आए हो सिर्फ? वो है ही तारीफ के लायक। अपनी नजरों को लगाम दो, वैसी वैसी लड़की नहीं है। ऐसे कमाल है, जिस लड़की ने तुम्हारा सुहाग लूट लिया, तुम्हारी आधी जायदाद हड़प कर ली, आज तुम ही उसकी किरदार की गवाही दे रही हो। हाँ, मैं उसके किरदार की गवाही दे सकती हूँ, मगर रियासत की नहीं, जिसका शिकार हया हुई। आज तुम्हें अपनी सौतन से बड़ी हमदर्दी हो रही है? है तो नफरत, मगर सच फिर सच है। तुम यहां कैसे आए हो? कुछ एग्रीमेंट साइन करवाने थे,
और काफी सारी पेमेंट करनी है, इसलिए ये चेक और फाइल साइन करवाने के लिए लाया था। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रुक दो, सिवाय एम्प्लॉयज की तनख्वाह के कोई भी चेक साइन नहीं होंगे। मगर यूं तो जितना नुकसान होना है होने दो, बाकी मामलात में ठीक होने पर देख लूंगी। नहीं खाया जाएगा मुझसे। अम्मी, खुदा के लिए थोड़ा सा तो खा ले। मुझे तो यही एहसास मारे जा रहा है कि मैं रफाकत की अमानत की हिफाजत ना कर सकी। बहुत शिकायत करेंगे क़यामत के रोज। बहुत जो कुछ भी हुआ उसमें आपका क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है। एक बार भी मैंने शकीला को बेटी कहकर अपने गले से नहीं लगा। आखिरी दिन भी वो मेरे सीने से लगकर रोने के लिए तड़पती रही और मैंने उसे धुतकार दिया। आप भूल क्यों नहीं जाती हैं ये सब कुछ? हमें नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। सारी जिंदगी में रफाकत को ताने देती है लेकिन वो कभी। बस हमें बस बस कर देना आप। शकीला शकीला अब्बू को समझाएगी ना, वो आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। समझा देगी शकीला। मुझे तो करार नहीं आता, बहुत बेकरार। बड़ी बेचैनी हो गई मेरी, कुछ समझ नहीं आता। उठा लो ये सब, कह रही है कि तुम लोगों को गैरत नहीं है। अरे अरे, इतनी बातें सुनने के बावजूद तू मुझ पे आके निकाल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे उज़्मा पर उतना यकीन है मां जितना अपने आप पर है। उसने बिना वजह आप लोगों को कुछ नहीं कहा होगा। आराम से बैठो इरफान, उसके शहर से निकल जाओ वरना ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। हाँ मुझे पता है इस घर में दीन का कितना ख्याल रखा जाता है। रमापा क्या आपा? अम्मा देख रही हो, फिर इसने मुझे आपा कहा। ये आपा कह के ना हमें एहसास दिलाता है कि हमारी शादियां नहीं हुई। ये तो अपनी अपनी ज़हनियत की बात है ना, आपको आपा कह रहा हूं तो गाली लग रहा है। उज़्मा कैसे बर्दाश्त होगी आपको? हाँ हाँ ठीक कह रहा है। अरे वो गुनाह की गठड़ी को कहीं जाके कचरे में फेंक कर आ। हाँ बड़ा आया है मायती। अम्मा देखो जरा, हर वक्त हमें बड़े होने का ताने देता रहता है, हालांकि इसकी बीवी की उम्र हमसे ज्यादा बड़ी है। कदमी तो छोटी रह गई है ना वो ठिगनी। और नहीं तो क्या? हाँ बड़ा आया। बैठो अम्मा तुम आराम से, और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। देखो अम्मा, जब मैं वहां पर गई ना तो तुम यकीन करोगी कि वो इतना अच्छा लड़का था ना,
उज्मा उठो चलो मेरे साथ। कहाँ? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाके रहेंगे। क्यों इरफान? मैं तुम पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकता, ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, जब तक आप मेरे साथ हैं ना मुझको कुछ नहीं हो सकता। उज्मा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जाता हूँ। बेफाम, मेरी माँ एक बेटी की कमी तड़प रही है, मैं उनको और हम नहीं दे सकती, मुझे नहीं जाना। चाय लेके जल्दी जाओ, मेहमान चले जाएंगे तुम। रहने दीजिए, आपके चाय के इंतजार में मुझे काफी देर हो गई। नहीं चाय रेडी है बिल्कुल, प्लीज। वैसे आप बहुत लकी हैं, रियासत आपके नाम बहुत कुछ कर गए हैं। रियासत मुझे अपना नाम दे गए, यही मेरे लिए बहुत है। आप फौजिया बेगम के मेहमान हैं, प्लीज चाय पी के जाइएगा। आप जो फौजिया बेगम कह रही हैं ना, फौजिया बेगम के ख्यालात आपके बारे में काफी मनफी मनफी हैं, किसी मुश्किल में भी फंस सकती हैं आप, एहतियात कीजिएगा। मुझे मुश्किलों से लड़ना आता है। मेरा मतलब था कि मेरा आप नंबर वंबर कभी भी कोई आपको कोई काम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। हाँ एक बहुत जरूरी काम है आपसे, हो सके तो इस घर में बताइएगा जब तक बेगम फौजिया ठीक नहीं हो जाती, और अगर बहुत जरूरी मिलना हो तो उनसे ऑफिस से ही रब्ता कीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। अम्मी कुछ खा लीजिए खुदा के लिए। ऐसा क्या हो गया कि शकीला ने खुदकुशी कर ली? आप भूल क्यों नहीं जाते हैं इस बात को? आपके बार बार याद करने से शकीला वापस तो नहीं आ जाएगी? हाय हाय, रफाकत की जब भी अपनी किसी बेटी पर नजर पड़ती थी उनके दिल से यही दुआ निकलती थी कि मेरी रानी बेटी राज करे। अगर माँ बाप की दुआओं से बेटियों के नसीब बनने लगते हैं तो किसी भी बेटे की आंख में कभी आंसू नहीं आते। ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो राहिला। मैं कुछ लाऊं खाने को खाने की? जाओ आराम कर। पूरे 5,000 लिए हैं रानी ने वो दवा बनाने की। आप फिक्र ही ना करें, बस 2-4 दिन में जरा सुकून हो जाए फिर आपको जुड़ाव कंगन बनवा कर दूंगी। रानी बेटी